हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडीज़ ऑन। इस टॉपिक में हम केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी कवर करेंगे और देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक वेसल होता है जिसके अंदर आप एक केमिकल इफेक्ट को परफॉर्म करते हो। ओके, ये एक वेसल है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, दो रॉड डालते हैं, एक रॉड कहलाता है एनोड और एक रॉड कहलाता है कैथोड। जिस पे प्लस टर्मिनल कनेक्ट होता है बैटरी का उसे एनोड कहते हैं, और जिस पे माइनस टर्मिनल बाहर कनेक्ट होता है जिसके बैटरी का उसे कहते हैं कैथोड। ओके, तो नेचर वाइज एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल हुआ करता है। तो एक केमिकल एक्सपेरिमेंट मतलब कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को लेकर के, धारा के रासायनिक प्रभाव को लेकर के कुछ साइंटिस्ट ने जो अलग अलग लॉज दिए गए थे उसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने अपना लॉ दिया इलेक्ट्रोलिसिस का, यानी हिंदी में से कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो फैराडे ने क्या लॉ दिया फैराडे के विद्युत अपघटन का, ये देखिए। तो ये नियम है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर एकत्रित अथवा एनोड से मुक्त पदार्थ की मात्रा एम विद्युत अपघट में प्रवाहित विद्युत की कुल मात्रा यानी कि संपूर्ण आवेश के समानुपाती होती है। अभी इसे इंग्लिश में समझिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस द मास डिपॉजिटेड एट कैन एनोड द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड और रिलीज्ड फ्रॉम एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोड। ओके, मतलब कितना चार्ज आपने फ्लो किया है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अच्छे से समझिए कि एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है। मान लीजिए आपके पास ये कोई वेसल है। ओके, वेसल में आपने एक आपने कैथोड लगाया है और एक आपने एनोड लगाया है। ओके, तो देखिए जी, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल का हुआ करता है। ओके, सो कैथोड जो हुआ करता है वो किस टर्मिनल का होता है, नेगेटिव टर्मिनल का, कैथोड में नेगेटिव लगा होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट घोला हुआ है, सपोज के लिए मान लो इलेक्ट्रोलाइट है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर टूटेगा वो इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो हमेशा ऑलवेज दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स द कैथोड। ओके, ये कैथोड की तरफ जाएंगे बिकॉज खुद पॉजिटिव होते हैं, तो किसकी जाएंगे, कैथोड की तरफ। तो होगा क्या कि ये लेयर जो है थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली मोटी होती जाएगी, इसके ऊपर जो लेयर है ये जो लेयर आएगी मेटल की वो उसके ऊपर मोटी होती जाएगी। ओके, ये कॉपर आके इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा कैथोड के ऊपर। तो इसी को देख करके ये लॉ बताया गया। ये लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस the amount of mass deposited at cathode or released from the anode की amount जो होगी, okay, उस is directly proportional to the charge flowed through electrolyte। मतलब कि वो जो मात्रा होगी, जो मास होगा, directly proportional to charge flown। okay, तो देखो जी क्या होगा, so m proportional to Q, मतलब आपने कितना चार्ज फ्लो किया। तो थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, हालांकि आप चार्ज फ्लो करेंगे, ओके, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करके आप चार्ज फ्लो करेंगे, सो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, सो M इज प्रोपोर्शनल टू U, ऑल नो I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, सो Q इक्वल्स टू IT हो जाएगा। ओके, एम प्रोपोर्शनल टू IT, सो M इज इक्वल्स टू ZIT, वेयर Z, M इज इक्वल्स टू ZQ। यदि आप IT ना रिप्लेस करें, सो यू कैन राइट M इक्वल टू ZQ। हेयर Z इज कॉल्ड पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, हेयर Z इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट, ठीक ना, तो इसको हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इसे हम कहा जाता है किसी जेड को। ओके, और ये जो होता है ये उस पदार्थ का होता है। तो यहाँ पे क्या हम मतलब लगा सकते हैं यहाँ पे पदार्थ से, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये जो जेड डिफाइन होता है ये किसके लिए डिफाइन होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो है ये किसके लिए डिफाइन हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को यहाँ कन्फ्यूजन है, मैं इसको आपको बाद में क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफाइन है या इस मटेरियल के लिए डिफाइन है जिसका कैथोड बना हुआ है। ओके, तो वैसे ज़्यादातर लग रहा है कि ये मटेरियल के लिए डिफाइन है जिसका कैथोड बना हुआ है, उस पर डिपेंड करना, क्योंकि यहाँ पर बोला है पदार्थ। ओके, सो लेट्स सी, डिफाइन करते हैं अपन जेड को। ओके, तो Z इज इक्वल्स टू एम अपॉन क्यू,
तो क्योंकि m इक्वल्स टू z क्यू तो z इक्वल्स टू m अपॉन क्यू. इफ़ यू टेक q इक्वल्स टू 1 कूलाम देन अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिपॉजिट ऑन कैथोड इक्वल्स टू z. तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हम q इक्वल्स टू 1 कूलाम लेते हैं तो जो भी अमाउंट कैथोड पर डिपॉजिट होगा उसके मास को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं उसे हम. ओके तो यहाँ से हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कह सकते हैं. ओके तो चलिए एक बार इसको डिफाइन कर देते हैं. तो आपने क्या देखा, m इक्वल टू जेड क्यू, तो z इक्वल टू m बाई क्यू. तो यदि आप q इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 कूलाम तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m, z इक्वल्स टू m. मतलब विद्युत रासायनिक तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो कि पदार्थ की वह मात्रा जो है विद्युत रासायनिक तुल्यांक की इक्वल होती है, जो कि जितना अमाउंट डिपॉजिट होता है किस पर, कैथोड पर, जब आप 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करते हो. ओके थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन है तो इसको क्वालिटेटिवली समझिए कि यदि आपके पास ये कैथोड है, ये आपके पास एनोड है, कैथोड है, तो मतलब कि अगर आपने 1 कूलाम्ब चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में फ्लो किया है, 1 कूलाम्ब चार्ज, तो जितना अमाउंट आ करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ओके, जो नया अमाउंट आके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट जाएगा उस अमाउंट को ही आप बोलेंगे क्या, विद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट आप बोलेंगे, ठीक ना. तो ये कहलाएगा अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट. सो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ मास इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हेन वी फ्लो चार्ज ऑफ 1 कूलाम्ब थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट. जब आप इलेक्ट्रोलाइट से या इलेक्ट्रोड्स के बीच में 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज को फ्लो करते हैं तो उस समय जो अमाउंट डिपॉजिट होगा कैथोड पर आकर के मेटल का, या ये कह लीजिए जितना एनोड से रिलीज होगा, ये भी कह सकते हैं कि जितना एनोड से रिलीज होगा, द सेम अमाउंट ऑफ मास इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट. ओके दोस्तों, फर्स्ट लॉ के क्लियरली समझ में आने के बाद हम सेकेंड लॉ देखते हैं. सेकेंड लॉ जो है ये मतलब कि केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट का सेकेंड लॉ है. ओके तो फेराडे ने सेकेंड लॉ जो दिया था वो क्या था, ये कब लगता है, नंबर वन, ये तब लगेगा जब एक से ज़्यादा विद्युत अपघट्य हों, मीन्स व्हेन देयर आर मोर देन 1 इलेक्ट्रोलाइट. जैसे यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रोलाइट आपको दे रखे हैं, देखो 1, 2 एंड 3, तो 3 अलग अलग डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको दे रखे हैं. ओके इसके अंदर कोई अलग मटेरियल घुला हुआ है, इसके अंदर कोई अलग मटेरियल है, इसके अंदर कोई अलग मटेरियल है. ओके तो इसमें कंडीशन क्या होती है, इसमें कंडीशन होती है कि आप तीनों से सेम करंट फ्लो करें, तीनों से सेम करंट फ्लो करें या सेम चार्ज इन सेम टाइम फ्लो करें. तो बात तो एक ही हुई ना, सेम चार्ज इन सेम विद इन सेम टाइम सेम चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट एस्टेब्लिश सेम ही होगी. ओके तो ये नंबर वन है. इसमें जो कंडीशन है वो क्या है, समान आवेश समान समय, मतलब कि सेम चार्ज और सेम टाइम तक के लिए आपको फ्लो करना है. तो जब आप किसी सीरीज कई सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें से सेम करंट फ्लो करते हैं, मतलब सेम चार्जेस फॉर द सेम टाइम फ्लो करते हैं, तो हिंदी में लिखा मैंने यदि भिन्न भिन्न तत्वों के विद्युत अपघट्य में से. ओके मतलब दे आर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में से समान आवेश समान धारा समान समय तक के लिए प्रभावित की जाए, तो मतलब आपको यदि कॉन्स्टेंट करेंट आपको सब में से भेजती है तो कैथोड पर मुक्त होने वाले आयनों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के अनुक्रमानुपाती होता है. देन तो भैया कैथोड पे जो यहाँ पे जैसे कैथोड है ये एनोड है, तो कैथोड पर आने वाले जो आयन्स हैं जो यहाँ पे आकर के फाइनली सैचुरेट हो जाएंगे. ओके कैथोड पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होता है. मतलब कैथोड पे मान लो कितने आयन डिपॉजिट हो रहे हैं तो उनका मास कितना बना, एम. सो एम इज प्रोपोर्शनल टू उनके केमिकल इक्विवेलेंट. ओके पिछले बार था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, बट हियर मास इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट. सो वी कैन राइट इट फॉर द टू मटेरियल, इफ द मास डिपॉजिट ऑन द फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट इज m1 एंड द मास डिपॉजिट इन केस ऑफ सेकेंड वोल्टा मीटर इज m2, है ना, दे आर फ्लोइंग द सेम करेंट, देन m इज प्रोपोर्शनल टू e, दैट इज m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू e1 अपॉन e2. सो वॉट, m is proportional to e, where m is proportional to e, so m is equals to constant time of e, and m upon e being a constant, तो m i by e क्या हो जाएगा जी, constant हो जाएगा. अब थोड़ा सा हम e पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये e नई चीज़ आपके सामने आया. e को हमने क्या बोला है, chemical equivalent, हिंदी में रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं. ओके तो रासायनिक तुल्यांक वही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं पहले. ओके वी आर ई इज कॉल्ड रासायनिक तुल्यांक इन हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल इक्विवेलेंट. सो एम अपॉन ई इज ए कॉन्स्टेंट, जस्ट नाउ रीड किया हमने, बिकॉज एम प्रोपोर्शनल टू ई, सो एम अपॉन ई इज ए कॉन्स्टेंट.
रासायनिक तुल्यांक क्या, एक्चुअली इस तुल्यांकी भार ग्राम में जो होता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट। ओके, इक्विवेलेंट वेट आपने पढ़ा है ना, वही है ये। सो आपको पता होगा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते थे, दैट इज इक्वल टू परमाणु भार, ओके, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। सो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी, सो ई प्रोपोर्शनल टू ई इज इक्वल टू ए बाई वी, ई इज इक्वल टू ए मतलब एटॉमिक मास अपॉन वी मीन्स वैलेंसी, ई इक्वल्स टू ए बाई वी। सो बाय द लॉ एम इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी, एम इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी। सो क्या सीखा हमने, सो ई इज इक्वल्स टू ए बाई वी, सो ई इज इक्वल्स टू ए बाई वी है अपने पास, सो एम इज प्रोपोर्शनल टू ए बाई वी। तो एज m इज प्रोपोर्शनल टू e, सो लिख सकता हूँ m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू e1 अपॉन e2। अब e1 की वैल्यू क्या है, a1 वन बाई ए, सो m1 वन बाई एम टू इज इक्वल्स टू एम वन अपॉन एम टू इक्वल्स टू ई वन अपॉन ई टू मैंने लिखा। सो नाउ प्लेस द वैल्यू, सो एम वन अपॉन एम टू इक्वल्स टू ए वन अपॉन ए टू बिकॉज ए के प्रोपोर्शनल है बट वी टू अपॉन वी वन। तो यदि सो ए यहाँ पे क्या है, परमाणु भार जिसको अपन बोल सकते हैं एटॉमिक वेट। तो यदि हम थोड़ा फर्दर इसको एलैबोरेट करें, सो एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल्स टू ए वन अपॉन ए टू इंटू वी टू अपॉन वी वन। तो यदि मेरे पास दो मास हैं जिनकी वैलेंसी सेम है, ओके, जैसे दो मास से वैलेंसी सेम है, तो फिर सीधे सीधे जो इनका मास आएगा, डिपॉजिट मास जो होगा, वो उनके एटॉमिक वेट पे डिपेंड करेगा, वहाँ पे वैलेंसी का कोई चक्कर नहीं रहेगा क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम होगी, कैंसिल हो जाएंगी। ओके ओके दोस्तों, तो अब तक हमने कितने तरीके के कॉन्स्टेंट पढ़ लिए, हमने दो तरीके कॉन्स्टेंट पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया हमने इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट एंड एक पढ़ा हमने केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो एक हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, और एक है अपने पास रासायनिक तुल्यांक, मतलब दो पढ़े अपन ने, एक जेड पढ़ा और एक अपन ने पढ़ा ई। ओके, अब इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में हम रिलेशन निकालते हैं कि हमारे जेड और ई में क्या रिलेशन है। चलिए, तो इसके लिए हम एक सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो वोल्टामीटर सेटअप हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब इनमें से सेम करंट जा रही है। ओके, सेम करंट जा रही है, ओके, दो मेरे पास वोल्टामीटर है, तो सेम चार्ज जा रहा फॉर द सेम टाइम, मतलब इसमें भी क्यू चार्ज जा रहा है टी टाइम के लिए और इसमें भी जा रहा है क्या, क्यू चार्ज टी टाइम के लिए। ओके, बट दोनों को आपको पता है कि ईवन जो होगा, इसमें ईवन जो होगा अलग होगा, क्या है ईवन, जो मुक्त पदार्थ है उसका रासायनिक तुल्यांक, मतलब कि फ्री जो मटेरियल हुआ उसका केमिकल इक्विवेलेंट कितना है, ईवन है, और दूसरे में जो फ्री हुआ उसका केमिकल इक्विवेलेंट कितना है, ई टू है। ई टू मतलब मुक्त पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक दूसरी सिचुएशन में। सो वी ऑलरेडी नो कि एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू, ये सेकेंड लॉ से उठा, और फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू जेड क्यू, एम इज इक्वल टू जेड क्यू, मतलब अपने पढ़ा ना फर्स्ट लॉ में एम इज इक्वल टू जेड आई टी एंड आई टी इक्वल्स टू क्यू होता है, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, जेड क्यू। सो एम इज इक्वल्स टू जेड क्यू, बट क्यू तो दोनों का सेम है, तो यदि पुट कर दोगे यहाँ पे, तो एम इज इक्वल्स टू जेड वन क्यू इंटू जेड टू क्यू, एम इक्वल टू एम वन इक्वल टू जेड वन क्यू, एम टू इक्वल टू जेड क्यू, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, सो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, सो क्या बन गया, एम वन अपॉन एम टू इज इक्वल्स टू जेड वन अपॉन जेड टू। तो ये जी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर टू, एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू। ओके, तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। नाउ अब देखिए, इसको यदि आप जो है कंपेयर कर देते हैं, देखिए लेफ्ट पार्ट अपने पास कितना आया था, लेफ्ट पार्ट आया था एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू ई वन अपॉन ई टू, और राइट पार्ट क्या आया हमारे पास, एम वन अपॉन एम टू इक्वल टू जेड वन अपॉन जेड टू। तो यदि दोनों को कंपेयर कर देते, दोनों इक्वल आ जाएंगे ई वन अपॉन ई टू, क्योंकि लेफ्ट पार्ट तो इक्वल है तो राइट पार्ट भी इक्वल होंगे, तो क्या रिलेशन निकल गया है कि ई प्रोपोर्शनल टू जेड कह लो या जेड प्रोपोर्शनल टू ई कह लो, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्स्टेंट इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू केमिकल इक्विवेलेंट। ओके, सो दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है जेड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, ई के होता है, तो जेड और ई पर कोई भी बेस क्वेश्चन हम इससे हम कर सकते हैं। चलिए अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगला टॉपिक है फैराडे कॉन्स्टेंट, फैराडे नियतांक। ओके, तो जी हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि E प्रोपोर्शनल टू Z हुआ करता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, E प्रोपोर्शनल टू Z, जितना Z हाई होगा उतना E हाई होगा। सो सॉल्व करने पर इसको आता है E इज इक्वल टू F टाइम्स ऑफ Z। ओके, तो Z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E अपॉन F, E अपॉन F, एंड Z इक्वल टू E की वैल्यू क्या होती है भाई, अभी भी पढ़ा अपन ने, E इक्वल्स टू होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो Z इक्वल्स टू E अपॉन Z इक्वल्स टू A अपॉन VF। यहाँ पे F एक कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड फैराडे कांस्टेंट, तो इसको याद कर लीजिए, F एक कांस्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट।
चलिए थोड़ा इसको और एलेबोरेट करते हैं। तो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले ई प्रोपोर्शनल टू एफ, तो ई इज इक्वल टू एफ जेड, देन जेड इक्वल टू ई बाई एफ, तो यहाँ से ले लिया मैंने सिंस जेड इक्वल टू ई बाई एफ। और दूसरा जो होता है जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एम बाई क्यू, क्योंकि क्यू इज इक्वल्स टू कितना आया था, एम जेड आया था। ओके, क्यू इज इक्वल्स टू एम जेड आया हुआ था मेरे पास, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m बाई क्यू। तो यदि मैं पुट कर देता हूँ यहाँ से, तो e अपॉन f किसके इक्वल है, z की इक्वल, z की जगह m बाई क्यू प्लेस कर दिया, सो e अपॉन f इक्वल टू q अपॉन m। तो यदि आप, अब देखिए यदि आप क्या करते हैं, यदि आप q इक्वल्स टू वन वन फेराडे प्लेस करते हैं, मतलब q इक्वल्स टू वन f लगते हैं, कि इतना जो चार्ज की अमाउंट है वन फेराडे रखते हैं, q इक्वल्स टू वन फेराडे, सो वन फेराडे से फेराडे कैंसिल हो जाएगा और क्या आएगा अपने पास, e इक्वल्स टू एम आएगा, इक्वल्स टू एम आएगा। मतलब यदि क्यू इक्वल्स टू आप वन फेराडे प्लेस कर रहे हैं तो इक्वल्स टू कितना आएगा, वन आएगा। मतलब इसका मतलब क्या कहा जा सकता है, हिंदी में लिखा अर्थात वोल्टा मीटर से प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा वन फेराडे हो तो, मतलब चार्ज के टर्म्स में कही गई है कि यदि विद्युत धारा की मात्रा वन फेराड हो तो मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर हुआ करती है। ओके, तो जो मुक्त पदार्थ की मात्रा जो होती है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर हुआ करती है। तो फिर से एक बार सुन लो आप भाई इस बात को, अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट से, अगर आप वोल्टामीटर में इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से आप जो चार्ज फ्लो कर रहे हो वो किसके इक्वल कर रहे हो, वन फेराडे के इक्वल कर रहे हो, वन फेराडे के इक्वल कर रहे हो, तो उस समय जो मास डिपॉजिट होगा, जो मास रिलीज होकर के आएगा कैथोड के ऊपर, वो किसके इक्वल होगा, वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल होगा। किसके इक्वल, केमिकल इक्विवेलेंट के। एक बार फिर पढ़ता हूँ, अर्थात यदि वोल्टामीटर से प्रवाहित अर्थात यदि वन फेराड हो, प्रवाहित धारा वन फेराड हो तो इक्वल टू एम, अर्थात वोल्ट मीटर से प्रवाहित विद्युत की मात्रा एक फेराडे हो तो मुक्त पदार्थ की मात्रा रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। और याद रख लीजिए वन फेराडे इक्वल्स टू कितना होता है, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। क्लियर हुआ? तो इससे एक और डेफिनेशन बन सकती है कि वन फेराडे ना लेकर के आप डायरेक्टली 96,500 कूलम का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो, तो डेफिनेशन ये बनेगी कि यदि 96,500 कूलम चार्ज को वोल्ट मीटर से फ्लो किया जाए तो मुक्त पदार्थ की मात्रा ग्राम में, तो क्योंकि मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होगी दैट टाइम m इक्वल्स टू क्या हो रहा है, e हो रहा है ना। ये देखो, जब आप 1 फेराडे फ्लो कर रहे हो दैट टाइम e इक्वल्स टू m, तो मुक्त पदार्थ की मात्रा किसके इक्वल हो रही है, e के। एंड व्हाट इज e, e इज कॉल्ड इसका केमिकल इक्विवेलेंट, जो कि होता है क्या, मास, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी के इक्वल हुआ करता है। चलिए आइए देखते हैं कि हमें कितना चार्ज फ्लो करना पड़ेगा यदि हम 16 ग्राम ऑक्सीजन इकट्ठा करना चाहते हैं। ओके, 16 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव होती मतलब एनोड पे आएगी, तो अगर आप 16 ग्राम ऑक्सीजन इकट्ठा करना चाहते हैं तो कितना आपको चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। तो वही रूल है, ई अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन क्यू। ओके, एम इक्वल्स टू कितना दे दिया जी, 16, तो एम की जगह 16, क्यू की जगह क्यू, यहाँ पे आ जाएगा। ई कितना है भाई, इक्विवेलेंट वेट, चलो निकाल लो ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, 16 अपॉन कितना हो जाएगा इसका 2, तो 2 8 जा 16, तो भाई यहाँ पे क्या था, तो अपने E इक्वल टू 8, इसका इक्विवेलेंट कितना आया, 8 आया, एंड यहाँ 16 है, यहाँ F है, यहाँ 2 है, यहाँ Q है, तो सॉल्व करिए तो आंसर Q इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 फेराडे। मतलब यदि आप 2 फेराडे का चार्ज फ्लो करेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है 16 ग्राम जो है डिपॉजिट हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे कितना 2 फेराडे का चार्ज फ्लो करना पड़ेगा। सो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसका नाम था केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इससे बाहर इसमें से कुछ नहीं आता है, जितना मैंने पढ़ा दिया उसी पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल होते हैं। इसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे जितने बार पढ़ेंगे उतना गहरा ये समझ में आएगा और इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। आपका महत्वपूर्ण और कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड विद लोकेश सर, अनलिमिटेड स्टडी जोन। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।